हेलो डिफेंस लवर्स, आज के टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। चीन के साथ तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स के बाद अब इंडियन नेवी के फाइटर्स की भी की गई है भारी तैनाती। इंडियन आर्मी को सप्लाई किए गए हैं भारत नाम के घातक ड्रोन्स। चाइनीज सबमरीन्स का शिकार करने के लिए अगले साल तक भारत को मिलेंगे 4 और सबमरीन हंटर। चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन्स। और सीमा पर तनाव के बावजूद भी हॉर्नेट फैक्ट्रीज की तरफ से दी गई है हड़ताल पर जाने की चेतावनी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अब इंडियन नेवी की तरफ से MiG-29 के फाइटर्स को नॉर्दर्न सेक्टर में तैनात करने का फैसला लिया गया है। और गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर्स को नॉर्दर्न सेक्टर में तैनात करने की योजना इसलिए बनाई गई है ताकि इनके इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख सेक्टर में LAC पर ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए किया जा सके। यानी कि अब लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स के साथ साथ इंडियन नेवी के फाइटर्स भी आ चुके हैं। और जबकि इन फाइटर्स से पहले पूर्वी लद्दाख में चीन की हर एक हरकत पर इंडियन नेवी के PA-2 सर्विलियंस एयरक्राफ्ट ने अपनी नजर रखी हुई है। और नेवी के इन फाइटर्स की एयरफोर्स के अलग अलग बेस पर तैनाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की सोच के अनुकूल है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये कहना था कि इंडियन आर्म फोर्सेज की तीनों फोर्सेज के बीच जो जॉइंटनेस है उसे और बढ़ाना चाहिए। और इसलिए कह सकते हैं कि नेवी फाइटर्स की नॉर्दर्न सेक्टर में ये तैनाती इसी योजना का हिस्सा है। और जबकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से भी देश के नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर एयरफोर्स के साथ साथ नेवी के फाइटर्स को भी तैनात रखने का विजन दिया गया है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि जो नेवी के PA-2 मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट हैं, इनकी 4 यूनिट्स अगले साल भारत को डिलीवर की जाएंगी और इसके बाद इन एयरक्राफ्ट की 6 और यूनिट्स को खरीदने के लिए बातचीत की जा सकती है। और जो ये PA-2 एयरक्राफ्ट है, ये लॉन्ग रेंज का एंटी सबमरीन रिकॉनसेंस सर्विलियंस और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कैपेबिलिटीज के साथ आने वाला मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है और एक खास तौर पर सबमरीन किलर के नाम से जाना जाता है। और डोकलेम स्टैंड ऑफ के दौरान भी चीन पर नजर रखने के लिए इस एयरक्राफ्ट का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। और हथियार के तौर पर इसमें हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल और लाइट वेट टॉर्पेडोज को लैस किया गया है। चीन के साथ लगी LAC और पाकिस्तान के साथ लगी LOC पर रिकॉनसेंस रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी को भारत नाम के लाइट सर्विलियंस ड्रोन्स सप्लाई किए गए हैं। और भारत नाम के इन ड्रोन्स की सबसे खास बात यह है कि ये चंडीगढ़ में स्थित DRDO के लैबोरेटरीज द्वारा भारत में ही स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए हैं। और DRDO के इन भारत सीरीज के ड्रोन्स को दुनिया के सबसे एजाइल और लाइटेस्ट सर्विलियंस ड्रोन में लिस्ट किया गया है। और दिन के साथ साथ रात में भी सर्विलियंस करने के लिए इन ड्रोन्स को एडवांस नाइट विजन कैपेबिलिटीज दी गई हैं और साथ ही ये ड्रोन स्वार्म टैक्टिक्स के लिए भी कैपेबल हैं। और DRDO सोर्सेज का कहना है कि ये भारत नाम का ड्रोन भले ही छोटा है लेकिन बेहद ही पावरफुल है और एक किसी भी लोकेशन में ग्रेट एक्यूरेसी के साथ ऑटोनोमसली वर्क करने में सक्षम है। और एडवांस रिलीज टेक्नोलॉजीज के साथ इसका यूनिबॉडी बायोमिमेटिक डिजाइन सर्विलियंस मिशन के लिए एक बेहद ही घातक कॉम्बिनेशन है। और यहाँ तक कि इस ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी इक्विप किया गया है, जिसकी मदद से ड्रोन अपने आप ही पहचान सकता है कि जो सामने टारगेट है वो दुश्मन है या दोस्त, और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेता है। और इस ड्रोन को खराब से खराब मौसम में भी ऑपरेट करने के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। यानी कि चाहे झुलसाने वाली गर्मी हो या फिर जमा देने वाली ठंड, ये किसी भी तरह की वेदर कंडीशन में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। और मिशन के दौरान रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराने के साथ साथ ये ड्रोन घने जंगलों में छिपे इंसानों को भी बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें एडवांस नाइट विजन कैपेबिलिटीज दी गई हैं, जिसकी मदद से ये अंधेरे में भी देख सकता है। और इसके स्वार्म ऑपरेशंस वाली कैपेबिलिटी के चलते ये ड्रोन काफी मशहूर है। और DRDO सोर्सेज का ये भी कहना है कि इस ड्रोन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि किसी रडार द्वारा इसको डिटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। और इन सब चीजों में जो सबसे अच्छी बात हमें लगी है कि ये सारी चीजें भारत में ही स्वदेशी तौर पर विकसित हुई हैं। और इसलिए इस न्यूज पर इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और आज का हम लाइक टारगेट रख रहे हैं 25,000, उम्मीद है आप इसे भी पूरा कर देंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड के पास आयोजित की गई इंडियन नेवी की पासेक्स एक्सरसाइज में US नेवी के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिट्स के साथ इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड की 2 शिवालिक क्लास की स्वदेशी तौर पर बनाई गई स्टेल्थ फ्रिगेट्स, कमरोता क्लास की एक एंटी सबमरीन कॉर्वेट और राजपूत क्लास की डिस्ट्रॉयर भी शामिल हुई थी। और इंडियन ओशन रीजन में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित की गई इंडियन नेवी की सबसे प्रमुख नेवल एक्सरसाइजेस में से एक है। और जो ये पासेक्स नेवल एक्सरसाइज चल रही है, ये ऐसी जगह पर हो रही है जो मलाका स्ट्रेट के भी बेहद करीब है, जहां से चाइनीज वॉरशिप्स इंडियन ओशन
यूनियन में प्रवेश करती हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि मलाका स्ट्रेट से साउथ चाइना सी तक इंडियन नेवी की INS चक्रा और INS अरिहंत ये दोनों ही न्यूक्लियर सबमरीन पूरी तरीके से सक्रिय हैं। और केवल इतना ही नहीं बल्कि फिलीपींस सी में जो कि साउथ चाइना सी का डोर स्टेप है यहाँ पे आज अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलियन नेवीज के बीच एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज आयोजित की गई है जिसमें अमेरिका के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रेगन ने भी भाग लिया था। और जबकि साउथ एशिया रीजन में भारत ने अपने रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के कार्य को और तेज कर दिया है और पिछले एक सप्ताह में 3 साउथ एशियन कंट्रीज जिनमें मालदीव भूटान और बांग्लादेश शामिल है इनके साथ परियोजनाएं पूरी होने की घोषणा की गई है। और जिस हिसाब से आजकल की गतिविधियां चल रही हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि मानो चीन के दिन पूरे होने वाले हैं। म्यांमार में स्थित US एम्बेसी ने पड़ोसियों के संप्रभुता को कम करने के चीन के प्रयासों की आलोचना की है और US एम्बेसी का कहना है कि साउथ चाइना सी और हांगकांग में चाइना के जो एक्शंस रहे हैं वो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि चाइना अपने पड़ोसियों की संप्रभुता को कम करने की कोशिश में है। हालांकि US एम्बेसी ने अपने इस स्टेटमेंट में भारत और चीन के हाल ही के स्टैंड ऑफ के बारे में कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है लेकिन उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज एक्शंस के बारे में जरूर कहा है। और US एम्बेसी की ये स्टेटमेंट खास इसलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार है जब किसी रीजन में US एम्बेसी ने चाइनीज एग्रेशन पर सीधे तौर पर हमला किया है। और जबकि सोमवार को फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान फॉर्मर व्हाइट हाउस चीफ स्टीव बैनन ने ये कहा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को टेक डाउन करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने इंटीग्रेटेड वॉर प्लान को तैयार कर रखा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस वॉर प्लान में चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत बॉर्डर पर अपने इंडियन एलाइज को सपोर्ट करना भी शामिल है। और आज एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि इस साल के अंत तक US डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर चीन की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि वे साउथ चाइना सी में चीन की मैरीटाइम गतिविधियों पर शुरू से आलोचना करते आए हैं लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों के म्यूचुअल इंटरेस्ट के एरियाज में डिस्कस करने के लिए वे इस साल के अंत तक चीन की यात्रा कर सकते हैं। और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि भारत की रीसेट 2B R1 सैटेलाइट ने अभी हाल ही में जिबूती कोस्ट के पास चाइना की 3 वॉरशिप्स को स्पॉट किया है। और ये वॉरशिप तब स्पॉट की गई थी जब भारत की ये सैटेलाइट जिबूती में चाइनीज नेवल बेस के ऊपर से गुजरी थी। ऑनेस्ट फैक्ट्रीज के यूनियंस 28 जुलाई को एक मीटिंग आयोजित करेगी और इस मीटिंग में भारत सरकार के ऑनेस्ट फैक्ट्रीज के निगमीकरण वाले फैसले के खिलाफ इनडेफिनेट स्ट्राइक यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए एक तारीख तय करेंगे। और ये फैसला 3 यूनियंस की ज्वाइंट मीटिंग में हुआ है जिसमें ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन और संघ परिवार एफिलिएटेड भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ शामिल है। और इसके लिए कुछ दिनों पहले इन तीनों यूनियंस के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी। और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से जारी स्टेटमेंट के मुताबिक वे 28 जुलाई को स्ट्राइक पर अंतिम निर्णय लेंगे। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि ऑनेस्ट फैक्ट्रीज के इस तरह के बर्ताव से भारत के डिफेंस प्रोडक्शन में काफी ज्यादा असर पड़ सकता है यानी कि इसमें हमें कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि कमियां तो पहले से हैं लेकिन इसके बाद ये कमी और बढ़ सकती है। और बाकी इसके अलावा सोमवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन का कहना है कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बांग्लादेश के साथ लगी सीमा पर सुरक्षा के लिए नॉन लीथल वेपन्स यानी कि कम घातक हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। और उन्होंने ये बात बांग्लादेश मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कही है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि बांग्लादेश ने कुछ ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया है जहां पे सिविलियंस बॉर्डर गार्ड्स द्वारा की गई फायरिंग में मारे जाते हैं और बांग्लादेश ऐसे क्षेत्रों पर और भी फोर्सेस को तैनात करने की योजना बना रहा है ताकि इस तरह की कैजुअल्टीज को प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन भारत के BSF फोर्सेस पर भी उनका कहना है कि BSF को भी इस पर काफी ध्यान देने की जरूरत है कि सीमा क्षेत्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने समय इस तरह की सिविलियन कैजुअल्टीज को अवॉइड किया जाए। और अगर हमारे नागरिक किसी कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करो और फिर उन्हें हमें सौंप दो लेकिन हमारे नागरिक को जान से मारना इसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।